ओके बेटा, सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. सो लिसन एंड वॉच केयरफुली कि व्हाट इज मीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. सो आई हैव टोल्ड यू लाइक यस्टरडे कि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स सिंथेसाइजिंग. द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसाइजिंग आर एन ए अकॉर्डिंग टू द कोडॉन ऑफ DNA टेम्पलेट. राइट, अकॉर्डिंग कोडॉन ऑफ DNA टेम्पलेट. राइट, तो DNA टेम्पलेट के अकॉर्डिंग RNA का सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन. सपोज दैट दिस वन इज द DNA. राइट, आई एम मेकिंग हियर द डायग्राम फॉर क्लेरिफाइंग यू. राइट, दिस वन इज द DNA लाइक दिस. ओके, नाउ विच वन स्ट्रैंड विल सिंथेसाइज द RNA. ठीक है, नाउ रिमेंबर हियर दैट बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA विल नॉट टेक पार्ट साइमल्टेनियसली टू सिंथेसाइज RNA. दोनों स्ट्रैंड, इट मीन्स बोथ स्ट्रैंड विल नॉट पार्टिसिपेट टू सिंथेसाइज द RNA साइमल्टेनियसली. ओनली वन स्ट्रैंड विल टेक पार्ट इन सिंथेसाइजिंग RNA. केवल एक ही स्ट्रैंड से, DNA के केवल एक ही स्ट्रैंड से RNA का सिंथेसिस होता है. ठीक है, तो DNA के एक ही स्ट्रैंड से RNA का सिंथेसिस होता है लाइक दिस. सपोज दैट दिस वन इज द RNA, तो ये आपका RNA का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आई एम टेलिंग हियर द डेफिनेशन इज दैट कि सिंथेसाइजिंग द RNA अकॉर्डिंग टू द कोडॉन ऑफ DNA टेम्पलेट. यानी कि इनमें से, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड जो कि RNA का सिंथेसिस करेगा, दैट इज कॉल्ड DNA टेम्पलेट. उसको हम DNA टेम्पलेट बोलेंगे, लाइक दिस वन. अगर ये स्टैंड कर रहा है तो इसे हम DNA टेम्पलेट बोलेंगे. ठीक है, और हो सकता है कि ये ना करके ये वाला स्टैंड अगर सिंथेसिस करें, तो ओनली वन दैट कैन सिंथेसाइज द RNA. तो दोनों में से केवल एक ही स्टैंड, ओनली वन स्टैंड विल टेक पार्ट टू सिंथेसाइज द RNA. तो दैट स्टैंड विल कॉल्ड टेम्पलेट DNA स्टैंड. इज दैट क्लियर? उसको हम DNA टेम्पलेट बोलेंगे जो कि RNA का सिंथेसिस करेगा. ठीक, ये तो बात हो गई कि व्हाट इज मीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है. नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टेल यू कि ट्रांसक्रिप्शन इज डिफर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन इज डिफर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में दिस प्रोसेस इज डिफर. ओके, दिस प्रोसेस इज डिफर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस डिफरेंट होती है. एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर यस्टरडे कि इन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन विल रिक्वायर द डिफरेंट विल रिक्वायर ओनली वन टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज एंड टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स लाइक सिग्मा फैक्टर्स एंड लाइक रो फैक्टर्स. ओके, इन प्रोकार्योटिक सेल व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टार्टेड, सो फॉर इनिशिएटिंग द ट्रांसक्रिप्शन द रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स. प्रोकार्योट्स में अगर RNA बनना है, DNA से अगर RNA का फॉर्मेशन होना है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वहाँ पर क्या होगा? इट मीन टू से कि द RNA पॉलीमरेज विल बी रिक्वायर्ड. RNA पॉलीमरेज का रिक्वायर्ड होगा. एंजाइम इज नीडेड ओनली वन टाइप, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप, केवल एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज रिक्वायर होगा. ओनली वन टाइप RNA पॉलीमरेज विल बी रिक्वायर्ड टू पॉलीमराइज और टू सिंथेसाइज द स्ट्रैंड ऑफ RNA. राइट, RNA स्ट्रैंड को बनाने के लिए ओनली वन RNA पॉलीमरेज विल बी रिक्वायर्ड. क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट इन ईच, वेदर द ट्रांसक्रिप्शन इज इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स. चाहे ट्रांसक्रिप्शन आपका प्रोकैरियोट्स में हो, चाहे यूकैरियोट्स में हो, इन
बोथ सेल द ट्रांसक्रिप्शन विल बी कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स. दोनों में ही, चाहे वो प्रोकार्टिक सेल में होता हो चाहे वो यूकार्टिक सेल में होता हो, नाउ इन बोथ सेल देयर विल बी थ्री स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप्स में पूरा होता है? इन थ्री स्टेप्स. ठीक, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, इन तीनों में, इन दोनों में जो ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स होंगे, देयर विल बी थ्री स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज द सिमिलरिटी, राइट. बट द डिफरेंट इज कि ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स. अगर यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहां पर डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं इनिशिएशन कैसे होगा. तो फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन के लिए क्या होगा, नाउ इन डीएनए, डीएनए पर क्या होता है, एक प्रमोटर साइट होती है. दिस वन यू कैन सी हियर, दिस वन, दिस इज द प्रमोटर, दिस वन यू कैन सी, दिस इज द प्रमोटर साइट. सो इन प्रमोटर साइट द आरएनए पॉलीमरेज विल बी अटैच्ड इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर. दिस इज अबाउट द इनिशिएशन. व्हाट विल हैपन इन इनिशिएशन इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रोकैरियोट्स. अगर प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आरएनए का सिंथेसिस होना है, आरएनए अगर बनेगा तो वो कैसे बनेगा, इसको आपको बताना है. तो इनिशिएशन करने के लिए क्या होता है, आरएनए का इनिशिएशन होने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए, द आरएनए पॉलीमरेज विल बी अटैच्ड एट प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए. प्रमोटर साइट पर अटैच हो जाएगा, एंड दिस विल बी अटैच्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर. ये देख रहे हैं ना, सिग्मा फैक्टर. तो आरएनए पॉलीमरेज विल बी अटैच्ड टू द प्रमोटर साइट ओनली विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होगा प्रमोटर साइट पर. इज दैट क्लियर. तो दिस इज अबाउट द इनिशिएशन, कि व्हाट हैपन इन द इनिशिएशन. तो इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल द आरएनए पॉलीमरेज विल बी अटैच्ड विद प्रमोटर साइट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ओनली विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर. ओके, दिस इज द स्टेप ऑफ इनिशिएशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप द एलोंगेशन. एलोंगेशन में क्या होगा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फैक्टर, नो नीड ऑफ एनी एंजाइम. बट इन दिस स्टेप ओनली व्हाट हैपन कि द आरएनए स्ट्रैंड विल स्टार्ट टू बी सिंथेसाइज. यहाँ इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में केवल आरएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है. ओनली आरएनए स्ट्रैंड इंक्रीजेस इन इट्स लेंथ, इसलिए एलोंगेशन बोल रहे हैं. आरएनए का सिंथेसिस तो जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होगा तो वहां पर भी स्टार्ट, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का सिंथेसिस तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. बट इन एलोंगेशन द लेंथ ऑफ स्टैंड विल बी इंक्रीज्ड, राइट. जो आरएनए स्टैंड की लेंथ है वो एलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी. दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एलोंगेशन. इनिशिएशन में अटैचमेंट होगा किस, सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में. और एलोंगेशन में क्या होगा, एलोंगेशन में ड्यूरिंग द एलोंगेशन द आरएनए स्टैंड विल बी सिंथेसाइज्ड. जो आरएनए स्टैंड है वो सिंथेसाइज करेगा. ठीक है, नाउ इन टर्मिनेशन व्हाट विल हैपन इन टर्मिनेशन. सो इन टर्मिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रो फैक्टर, नाउ यू कैन सी आई एम शोइंग यू हियर व्हाट हैपन कि इन प्रेजेंस ऑफ दिस रो फैक्टर, रो फैक्टर की प्रेजेंस में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है दैट विल बी सेपरेटेड, एंड ऑल्सो द सिंथेसाइज्ड आरएनए विल ऑल्सो बी सेपरेटेड. नाउ यू कैन सी आई एम शोइंग यू, देखिए यहाँ पर जो आरएनए है दैट विल ऑल्सो बी सेपरेटेड. आई एम शोइंग यू, ओके, यहाँ पर जो आरएनए है ये, दिस वन, आर यू सीइंग हियर, दिस इज द आरएनए. सो आई एम शोइंग यू दिस वन इज द आरएनए. सो दिस आरएनए व्हेन एलोंगेटेड, व्हेन इंक्रीज इन लेंथ, तो दिस विल बी सेपरेटेड, एंड ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज विल ऑल्सो बी सेपरेटेड, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रो फैक्टर. सो यू कैन सी हियर कि टर्मिनेशन, व्हाट हैपन इन द टर्मिनेशन, द कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड विल बी सेपरेटेड अलोंग विद द सेपरेशन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज
एंड दैट अकर ओनली प्रेजेंस ऑफ रो फैक्टर, यानी कि जब टर्मिनेशन होना होता है, जब आरएनए कंप्लीट बन जाता है, तो कंप्लीट बनने के बाद जो रो फैक्टर है वो उस आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देता है. ओके, एंड अलोंग विद द आरएनए कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड विल आल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस डीएनए टेम्पलेट. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट हैपेंड हियर. नाउ फर्स्ट व्हाट हैपेंड इन द इनिशिएशन, द आरएनए पॉलीमरेज विल अटैच टू द प्रमोटर साइड ओनली विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर. This is about the initiation. Okay, now what happened in the elongation? So during the elongation, the RNA strand length will be increased, or you can say the RNA strand will be polymerized, and the length will be increased. And now what happened in the termination? The completely synthesized RNA will be separated only in the presence of a rho factor, and this rho factor will separate it. The RNA polymerase, so that the completely synthesized RNA will be separated from the DNA template. Okay, so this is all about the transcription in prokaryotes. Is that clear? Beta, any question, any doubt is here? Now, this is about the transcription in eukaryotes. This is the diagrammatic representation of eukaryotes. Ki eukaryotes mein transcription kis tarah se hoga? So I am showing you here. This is the DNA. I think this is the DNA of eukaryotic cell. So you can see here, this is the DNA of eukaryotic cell. Okay, and you have understood very well that how the transcription occurs in the prokaryotic cell. But this is the process of the transcription in eukaryotes. जो transcription process होती है, वो eukaryotes में किस तरह से होगी? तो this is the diagrammatic representation of the transcription in eukaryotes. राइट, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है. तो ये किस तरह से होगी? सो इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स यू कैन सी एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ओनली लाइक थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विल बी रिक्वायर्ड. राइट, ओनली यू नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विल बी रिक्वायर्ड हियर. Three types of RNA polymerase will be required during the transcription of eukaryotes. I have told you earlier. Okay, so here in this transcription, three types RNA polymerase will be required. RNA poly, and those RNA polymerase like RNA poly first, second, and third, these different types of RNA polymerase will be required during the transcription in eukaryotes. Is that clear? जबकि जो prokaryotes थे वहां पर केवल एक ही तरह का RNA polymerase requirement थी, और यहां पर no need of any factor, no need of any factor, और किसी भी तरह की कोई factor की requirement भी यहां पर नहीं होनी है. Right? So this is about the transcription process of the eukaryotes. Now what happened? Similarly, wahi steps honge yahan par. Steps will also be similar to that of the prokaryotic cell: initiation, elongation, and termination. Theek hai? So jis type ka RNA synthesis hona hai, then which type and that type of RNA polymerase will be required. So what happened in this? You must have to remember ki the RNA that is synthesized in eukaryotic cell, that is called hnRNA. राइट, यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए सिंथेसाइज होता है दैट इज कॉल्ड एचएनआरएनए, एंड दैट इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड. और ये एचएनआरएनए किसकी प्रेजेंस बनता है? आरएनए पॉली सेकंड. ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की फॉर्म में बनता है, इनकी प्रेजेंस में बन जाता है एचएनआरएनए. राइट, जबकि एचएनआरएनए प्रोकैरियोट्स में नहीं बनता था. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग हियर द एचएनआरएनए? Because this hnRNA will have exon and intron. You are seeing here, you can see now this hnRNA will have exon and intron. यहाँ पर two parts होते हैं, intron और exon के. ठीक है, तो exon और intron के यहाँ पर two parts होते हैं. That's why this RNA is called split RNA or hnRNA because of having exon and intron. Exon और intron के वजह से
इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं, एच एन आरएनए, दिस विल बी कॉल्ड एच एन आरएनए, राइट। तो ये एच एन आरएनए है। नाउ दिस एच एन आरएनए विल बी इनएक्टिवेटेड, जो एच एन आरएनए है वो कैसा होगा, ये इनएक्टिवेट होगा, इनएक्टिवेट एच एन आरएनए। सो टू मेक दैम फंक्शनल, अब इसको फंक्शनल बनाने के लिए क्या करते हैं, वी नीड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक, दीज आर द चेंजेस, बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द प्रोकार्टिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकार्टिक के केस में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते क्या हैं, सो यू नो कि आई एम टेलिंग यू कि इन एच एन आर एन ए द बोथ टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस आर प्रेजेंट, इंट्रॉन एंड एक्सॉन। सो इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन व्हाट हैपेन, ओके, स्प्लाइसिंग, देर आर थ्री स्टेप्स इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में थ्री स्टेप्स होंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, नाउ फर्स्ट स्टेप विल बी स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, सेकेंड स्टेप विल बी कैपिंग, कैपिंग, एंड थर्ड स्टेप विल बी टेलिंग, टेलिंग, ठीक है। सो दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देम एक्टिवेट, इट मीन्स टू मेक एच आर एन ए एक्टिवेट, राइट। These all steps are required for making HRRNA to be activated. HNRNA जो कि यहाँ पर inactivate form में synthesize होता है, तो that will be activated only we will do the splicing. Splicing के बाद ही जो RNA होगा वो activate हो जाएगा, ठीक है। So now what happen in splicing? Removing the intron. Splicing may be defined as, splicing में होता क्या, जो कि first step है, ठीक है, एच एन आर एन ए का हम पहले क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, और एच एन आर एन ए क्या है, इनएक्टिवेट है। तो स्प्लाइसिंग वी विल डू टू रिमूव द इंट्रॉन, वी विल रिमूव द इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन। रिमूविंग द इंट्रॉन, इसको हम रिमूव करेंगे, एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन, ज्वाइन एक्सॉन को केवल हम ज्वाइन करेंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, राइट। रिमूविंग इंट्रॉन, रिमूविंग एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन, एग्जॉन को ज्वाइन करना, दिस प्रोसेस कॉल्ड द स्प्लाइसिंग, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कैपिंग, सेकंड स्टेप, ये हैं सब क्या, दीज ऑल आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, दीज थ्री स्टेप्स आर ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो व्हाट हैपेन इन कैपिंग, वी विल एड मैथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप कर रहे हैं ना, यहाँ फाइव एंड पर आरएनए का टू एंड होते हैं, यू नो फाइव एंड थ्री, सो हम क्या करेंगे, फाइव एंड पर वी विल एड, एडिशन करेंगे किसका, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो इफ वी एड एडिशन, एडिशन ऑफ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एट फाइव एंड, फाइव एंड पर, तो दिस इज कॉल्ड कैपिंग, ठीक, इसी को हम कैपिंग बोलते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप विल बी, थर्ड स्टेप विल बी टेलिंग। सो व्हाट हैपन इन टेलिंग, टेलिंग में क्या होगा, वी विल एड ए नंबर ऑफ एडिनिन एट थ्री एंड, दैट्स व्हाई कॉल्ड पॉली ए टेल, ठीक है। वी विल एड ए नंबर ऑफ एडिनिन बेसिस एट थ्री एंड, थ्री एंड पर हम एडिनिन बेसिस को ऐड कर देंगे, एडिनिन बेसिस, जबकि हम फाइव डैश पर क्या कर रहे हैं, कैपिंग क्या होती है, कैपिंग इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्टेप। कैपिंग किस पर करते हैं, फाइव एंड पर करते हैं, कैपिंग हम करेंगे फाइव एंड पर, और जबकि जो टेलिंग करते हैं वहाँ कहाँ पर करते हैं, थ्री एंड पर करते हैं। सो व्हाट हैपन इन कैपिंग, वी विल एड मैथिनेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एस फाइव एंड, राइट, आफ्टर स्प्लाइसिंग, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। एंड इफ वी विल एड number of adenine at three end, this is called tailing. So after splicing and capping and tailing, splicing, capping और tailing के बाद we will obtain a activated mRNA, और तब हमें क्या मिलेगा, activated RNA मिलेगा हमको, right?
एक्टिवेटेड mRNA, राइट। तो यूकार्योटिक सेल में जो RNA बनता है दैट ऑलवेज बी अकर इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। नाउ आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन थ्री स्टेप्स वी विल ऑब्टेन एक्टिवेटेड mRNA, इज दैट क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इज दैट क्लियर। और कुछ पूछना है किसी को?